नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। पूर्व मंत्री और बीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता हत्याकांड पर सियासत जारी है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव इस वारदात को लेकर नीतीश सरकार को ब्लेम कर रहे हैं। शनिवार को लालू प्रसाद यादव ने मुकेश सहनी के दरभंगा जिले के बिरौल स्थित आवास पहुंचे और उनके पिता जीतन सहनी के निधन पर शोक संवेदना प्रकट की। लालू प्रसाद यादव पटना से सीधे बिरौल पहुंचे और मुकेश सहनी से मुलाकात की। उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए शोक संवेदना व्यक्त की। लालू प्रसाद यादव ने दिवंगत जीतन सहनी के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कहा कि इस दुख की घड़ी में राजद परिवार वीआईपी प्रमुख के साथ खड़ा है। ईश्वर मृत आत्मा को शांति प्रदान करे और उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी मुकेश सहनी को पत्र भेजकर संवेदना व्यक्त की थी। मीडिया से बातचीत करते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा कि अपराधियों द्वारा जीतन सहनी की हत्या की गई है, यह जघन्य अपराध है। उन्होंने दोषियों को कठोर से कठोर सजा दिए जाने की मांग की। लालू प्रसाद यादव के साथ राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, श्याम रजक, समीर महासेठ, ललित यादव एवं अबू दोजाना भी थे। यह जानकारी प्रवक्ता एजाज अहमद ने दी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि यह जग जाहिर है कि अपराधियों ने नंगा नाच कर रहे हैं। नीतीश कुमार का नाम लिए बगैर लालू प्रसाद यादव ने बिहार की नीतीश सरकार की खिंचाई की। कहा कि अपराधियों ने बिहार में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी हैं। जिस तरह से अपराधियों ने मुकेश सहनी के पिता की बेरहमी से हत्या की है, वह बेहद दुखद है। उन्होंने कहा कि जीतन सहनी के हत्यारों को कठोरतम सजा मिलनी चाहिए ताकि फिर कोई ऐसा करने का साहस नहीं कर सके। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के परिवार के सदस्यों से भी मुलाकात की और सभी सदस्यों को ढंढस बढ़ाया। मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी के निधन पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और कहा कि दुख घड़ी में आप अकेले नहीं हैं, पूरा राजद परिवार आपके साथ है। हम लोग हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। बताते चले कि 15 जुलाई की देर रात मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की दरभंगा स्थित तो उनके घर पर अपराधियों ने दर्दनाक मौत देते हुए हत्या कर दी थी। 16 जुलाई को बंद घर से उनका छत बिछत शव बरामद किया गया। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि सूद के पैसों को लेकर हत्या की घटना हुई थी। मामले में पुलिस ने काजिम अंसारी को मुख्य आरोपी बताया और कुल 4 बदमाशों की गिरफ्तारी कर जेल भेज दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी पत्र भेजकर मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर शोक जताया और मुकेश सहनी को हिम्मत। अब जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार पर हमला बोला है, इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसी प्रकार देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।